क्या गुलाम हैदर के केस सच में निरस्त कर दिए गए हैं मोमिन मलिक सर के द्वारा? आज इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारी अफरा तफरी मची है। बहुत सारे लोग जो गुलाम हैदर के चाहने वाले हैं वो लोग आपस में परेशान हैं कि क्या सच में गुलाम हैदर का केस वो भारत ने डिसमिस कर दिया? इंडिया में जो गुलाम हैदर के केस सीमा हैदर पर चल रहे थे, क्या वो डिसमिस हो गए, सस्पेंड हो गए? तो आज इस चीज़ को लेकर बहुत सारे लोगों के सवाल हैं। बहुत सारे मुझे फ़ोन भी आए, मैसेजेस भी आए कि दीदी क्या सच में गुलाम हैदर के केस खत्म हो गए, मोबिन मलिक सर ने उनका केस खत्म कर दिया? तो आपको बता दूं ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ जो मुद्दे थे गुलाम हैदर के, जो केस थे उन पे शायद रोक लगी है या जो भी है, लेकिन इस पे जो धाराएं लगी है बहुत तगड़ी है। उन अभी उन 15-15 धाराएं जो लगी है ना, उस पर मुकदमा होना हो चुका है। अब गुलाम हैदर भारत आएगा जैसे ही, तो उन पे अच्छी तरीके से सुनवाई होगी। जैसे कि आप सब लोग जानते हो गुलाम हैदर के वीजे का प्रोसेस हो चुका है, उसको लेके भी बहुत सारी बातें चली है, लेकिन ये समझिए कि गुलाम हैदर का वीजा भी लगभग मिल ही चुका है। बहुत जल्दी गुलाम हैदर भारत की धरती पे होगा, बहुत जल्दी गुलाम हैदर मतलब केस गुलाम हैदर के पक्ष में हो जाएगा। कई लोग दावे कर रहे कि गुलाम हैदर को बच्चे नहीं मिलेंगे, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, तमाम चीज़ें। तो एक पिता है, उस पिता ने भारत सरकार से भारत के कोर्ट में अपनी याचिका डाली है, तो हमारा कानून उस पर सुनवाई जरूर करेगा। हमारी भारत सरकार उसको अमल में जरूर लाएगी, क्योंकि गुलाम हैदर को भारत सरकार ने बुलाया तो जाहिर सी बात है कि भारत गुलाम हैदर का आना बिल्कुल तय है, और बहुत जल्दी। अभी ये किसी को खबर भी नहीं, भनक भी नहीं लगी कि गुलाम हैदर कब आएगा, लेकिन गुलाम हैदर ये सुनने में आ रहा कि 3 अक्टूबर तक गुलाम हैदर भारत आ जाएगा, यानी अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही गुलाम हैदर भारत आ जाएगा। तो आज जो था इस चीज़ को लेके जो आप लोगों का डर था वो लगभग ख़त्म हो चुका होगा, क्योंकि गुलाम हैदर भारत आ रहा है। दूसरी बात, गुलाम हैदर का कोई भी केस डिसमिस नहीं हुआ है, क्योंकि अब केस शुरू ही नहीं हुआ तो डिसमिस होने का सवाल कहाँ से होता भाई। बहुत सारे पोस्ट डाली गई होता है ना सोशल मीडिया पे, जब ट्रेंड चलता तो पब्लिक उसको पकड़ कर बैठ जाती कि भाई ये है तो इस पर ही वीडियो बनाओ। तो पोस्ट किसने डाला मुझे नहीं पता, क्योंकि आज मैं थोड़ा बिजी थी, मैं उस पर वो नहीं कर पाई, लेकिन जिसने भी डाला वो गलत डाला है। मोबिन मलिक सर अभी अपडेट नहीं दे रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कानूनी जो सोशल मीडिया पे नहीं आनी चाहिए। सीमा हैदर का बदहाल है, बुरा हाल है, क्योंकि वो जानती कि कर्मों का फल तो जरूर आता, कहते ना कर्मा इज बैक, कर्मा लौट कर आता है। तो सीमा हैदर का कर्मा लौट कर आ गया, जो इसने किया था अपने कर्मों का घड़ा वो फूट चुका है। अब सुनने में ये आ रहा है कि सीमा हैदर कोर्ट में जाते ही मोबिन मलिक सर के पैर पकड़ लेगी और कहेगी कि भाई मुझे वहाँ मजबूर थी, मुझे फंसाया गया था, मुझे ये तमाम तरीके से परेशान किया गया था। एपी सिंह और लप्पू के पूरे खानदान के खिलाफ सीमा हैदर कोर्ट में बयान देने वाली है, और ये सुनने में आ रहा कि सीमा हैदर पाकिस्तान जाने वाली है। और कई लोगों ने जो मुझे पता चला, जहाँ तक मुझे पता चला, मुझे ये पता चला कि सीमा हैदर कोर्ट में जाके अपने बयान बदल देगी और ये एपी सिंह और लप्पू के खिलाफ चली जाएगी और वहाँ पे जाके गिड़गिड़ाएगी कि मुझे भाई मेरे मुल्क पाकिस्तान भेज दीजिए। अभी जिस तरीके से प्यार का ही सीन दिखाया जा रहा है ना सोशल मीडिया पे लप्पू पे, और ये अब अपने बयानों को बहुत जल्दी बदलने वाली, क्योंकि इसको अपने मुल्क पाकिस्तान जाना है। अब ये कहेगी कि पाकिस्तान की अगर मैं जेल में भी सड़ूंगी या मुझे सज़ा भी मिलेगी तो वो मेरा मुल्क है, मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्म भूमि है। और क्योंकि भारत में आप जानते हो इसका आजीवन ये जेल में ही सड़ेगी और उसके बाद इसको जाना पाकिस्तानी है, फिर अपने बच्चों से हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी। अगर अपने मुल्क पाकिस्तान की जेल में रहेगी ना, 1% इसका चांस तो रहेगा कि कभी काश मैं अपने बच्चों से मिल पाऊँ। लेकिन अगर इसके बच्चे डिपोर्ट हो गए, जाहिर सी बात है बच्चे डिपोर्ट होने ही हैं जैसे ही गुलाम हैदर भारत आएगा, क्योंकि उन बच्चों के प्रति मोबिन मलिक सर ने पूरा काम किया हुआ है, बच्चों के ऊपर पूरी कार्रवाई की है, बच्चों का पूरा केस उन्होंने ख़त्म लगभग कर दिया है। तो जैसे ही गुलाम हैदर आ जाएगा तो बच्चों की जो ऑर्डर है वो कर दिए जाएंगे, ऑर्डर हो चुके हैं मतलब वो गुलाम हैदर को सौंप दिए जाएंगे। उसके बाद भगोड़े को बताया इसका कोई यहाँ पे काम नहीं है, इसको दूध में पड़ी मक्खी की तरह उठाकर जेल में फेंक दिया जाएगा, इसको ज़िंदगी भर जेल में सड़ना है। वहाँ पे चक्की पिसवाएंगे, लत्ते कपड़े धुलवाएंगे, जेल की जो सफाई होती है वहाँ पे क्रिमिनलों के साथ कैसा सलूक किया जाता है वो सब इसके साथ किया जाएगा, क्योंकि ये इनलीगल घुसकर हमारे देश में एंट्री की है।
और अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो अमिता मलिक है एक एडवोकेट, उनके जाके वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि उन्होंने जो इनलीगल घुसकर आए हैं उन लोगों पर ही वीडियो बनाए। फिलहाल वो बहुत अच्छी जानकारी दे रही हैं। जो लोग थोड़े से में घबरा जाते हैं कि अब कुछ नहीं होगा, सीमा हैदर नहीं जाएगी, जो चाहते हैं भारत से निकले, तो वो लोग परेशान हो जाते, दुखी हो जाते सीमा हैदर की हरकतों को देख के। तो जाके अमिता मलिक जी की वीडियो देखिएगा, डेली वो नया अपडेट लेके आ रही है जिसमें वो बताती है कि जो इनलीगल तरीके से एंट्री कर गए हैं वो डिपोर्ट कैसे होते हैं। उन्होंने ए टू जेड सारी चीज़ें रखी है जो कानूनी तौर पर रखी है। और सीमा हैदर को इसका जो बड़े भाई थे एपी सिंह जी ने बहुत बड़े धोखे में रखा, अब ये फंस चुकी है तो इसने पूरी तरीके से अपना बंदोबस्त भी किया होगा। ये कहती है ना मैं बहुत बड़ा करूँगी, तो मुझे लगता है वो बड़ा ये है, ये वहाँ जाके पलट जाएगी बिल्कुल, जिस तरीके से भारत आके पलट गई पूरी पाकिस्तान के खिलाफ, अपने मुल्क के खिलाफ। और अपने बच्चों का तो हमेशा इसने इस्तेमाल किया, उनसे कभी से लगाव था ही नहीं, उन बच्चों को ये एक अपने लिए ढाल बनाकर, कहते ना ढाल बनाकर लेके आई थी, उनका इस्तेमाल करके आगे बहुत कुछ करना चाहती थी। कहते ना माया मिली न राम, तो वो हिसाब हो गया इसका, जो था वो भी गया और खुद भी गई। अब इसकी जो स्थिति है बिल्कुल न्यूट्रल है, कुछ नहीं है इसके पास। और इसकी शकल देखो, आजकल 12 बज गए, किसी ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था ये प्रेग्नेंट है, अगर इसका बच्चा पैदा हो गया तो फिर इसको भारत की सिटीजनशिप मिल जाएगी या भारत में ही रह जाएगी। तो आपको मैं बता भी चुकी हूँ, फिर बता दूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपको फिर भी डाउट है तो आप एक वीडियो देखना, सबनम वाला केस है जो बावनखेड़ी में हुआ था, बहुत साल पहले, 15-16 साल लगभग पहले की बात है। उसके वो प्रेग्नेंट थी, उसका 2 महीने की प्रेग्नेंट थी, उसने अपने फैमिली के 7 लोगों का मर्डर किया था, उसके बाद उसे जेल हुई, उसी जेल में वो बच्चा पैदा हुआ, 5 साल तक वो बच्चा पला उसी जेल में अपने माँ के साथ। उसके बाद उसे एक पत्रकार ने, मुस्लिम पत्रकार हैं उस्मान सैफी जी, उन्होंने उस बच्चे को अडॉप्ट कर लिया। आज भी वो बच्चा अब बड़ा हो चुका है, उसने माननीय अदालतों से, माननीय उच्च आयोग से उसने याचिका दायर की कि मेरी माँ को फांसी ना दी जाए। अभी तक सबनम जेल में है, उसे फांसी नहीं हुई है और अभी भी जेल काट रही है। अगर कोई बच्चा ऐसे कंडीशन में पैदा होता है या महिला प्रेग्नेंट होती है तो भी महिला को सजा मिलती है, और उस बसरत फर्क इतना है कि उसकी करनी का फल वो बच्चा भोगता है जो जेल में पैदा होता है, और बाद में उस बच्चे पे क्या असर पड़ता है ये तो अब भगोड़े ही जाने। क्योंकि सबनम का जो बेटा था एक अच्छी परवरिश, एक अच्छे पत्रकार है उस्मान सैफी जी, बहुत मिलियंस में उनका चैनल है, बहुत अच्छे से वो अपनी स्टोरी को रखते हैं, डेली देखती हूँ मैं, तो उसका हसर तो अच्छा, बच्चा बहुत अच्छा, लेकिन इसका हसर क्या होगा क्योंकि इनलीगल भारत में घुसकर आ गई है। इसके बाद क्या होगा इसी को पता होगा, बाकी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो भगोड़ी जब तक नहीं भागती हम लोग ऐसी धुलाई करते रहेंगे, बहुत जल्दी खुशखबरी आने वाली, गुलाम हैदर भारत आने वाला, बहुत जल्दी भगोड़ी का पत्ता साफ होने वाला है। तो आप लोग टेंशन बिल्कुल भी ना लें, सतर्क रहें, सावधान रहें। अगर कोई ऐसे प्यार मोहब्बत के चक्कर में पड़ा भैया थोड़ी सी सावधान हो जाए, वरना ऐसी ही लप्पू की जैसी दशा आपकी भी हो जाएगी, इस चीज़ का याद रखना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, मैं मंजू विश्वकर्मा हद्वानी तरफ से छोटी सी समाज सेवा को अपने वीडियो के माध्यम से हमेशा सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करें, नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को करें सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।